जय श्री कृष्णा। वेलकम टू सनातन शक्ति। अपराध कोई भी करे, सीधा और ईमानदार व्यक्ति ही दोषी होता है। अभिव्यक्ति की आजादी का इतना अनुचित प्रयोग, आइए सुनाते हैं आपको मोदी जी की तानाशाही की कहानी। अभिनेत्री पायल रोहतगी ने जब नेहरू और एडविना की फोटो पोस्ट की, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रात को 9 बजे उनके घर पुलिस भेजकर उन्हें उठा लिया था। कंगना रनौत का घर सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी। उनका घर तोड़कर उनका सामान बिखेर दिया गया। अजीत भारती ने जब कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन की बातों को कोट किया, तब उनके घर कर्नाटक सरकार ने पुलिस भेज दी। कुमार विश्वास ने जब बिना किसी का नाम लिए लिखा कि अब खालिस्तानी सर उठाएंगे, तो उनके घर यूपी में पंजाब पुलिस भेज दिया। तेजिंदर बग्गा ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर ट्वीट किया, तब पंजाब पुलिस उन्हें किडनैप करके ले गई। लेकिन वह तो हरियाणा सरकार की मेहरबानी थी कि बीच में ही पंजाब पुलिस को तमाचे कोर्ट द्वारा लगी। महाराष्ट्र में विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए 16 साल पहले पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे चुके दरिंदे वैशी हत्यारे सचिन वजे को फिर से पुलिस की नौकरी में लाकर विरोधियों को ठिकाने लगाया गया। अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उसके बुजुर्ग माँ और बच्चों के सामने घसीटते हुए ले जाया गया। केतकी चैताली ने जब फेसबुक पर लिखा कि जो झूठ बोलता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उन्होंने कहीं शरद पवार का नाम नहीं लिखा था। सुबह 7 बजे उनके घर से उन्हें तब उठाया गया जब वह कपड़े भी नहीं पहनी थी और उन्हें 104 डिग्री का बुखार था और उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा जगह पर FIR दर्ज करवाया गया। वह तो मुंबई हाई कोर्ट के एक नेक जज की मेहरबानी से उन्हें जमानत देने का आदेश दिया गया। एक और पत्रकार रचित कौशिक ने जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाया, तब पंजाब पुलिस दिल्ली आकर उन्हें रात को 9 बजे सादे कपड़े में उठा कर ले गई। 4 दिन तो घर वालों को लगा कि अपराधियों ने किडनैप किया है। बाद में पंजाब पुलिस बोली कि हमने उन्हें उठाया है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के शीश महल पर वीडियो बनाया था। टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना ने जब केजरीवाल के शीश महल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब उनकी गाड़ी से एक दलित ई रिक्शा चालक से एक्सीडेंट दिखाकर पंजाब पुलिस उन्हें दलित एक्ट में ले गई, जबकि वह गाड़ी चला नहीं रही थी, वह बगल में बैठी थी। पंजाब हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को इतने तमाचे मारे और कहा कि तुम तानाशाह बन चुके हो, और भावना को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और दिल्ली एक्ट रद्द कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि यह साफ पता चलता है कि आपने इस पत्रकार को लंबा फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की है। बाद में उसे रिक्शा चालक ने भी कोर्ट में कह दिया कि सर मुझे पैसे का लालच देकर कहा गया कि तुम्हें गाड़ी को टक्कर मारनी है। सुमित टक्कर नाम के एक युवक ने फेसबुक पर लिखा कि मुंबई जैसे सब ट्रॉपिकल माहौल में बेबी पेंगुइन पालने का सोच सिर्फ एक बेबी पेंगुइन ही रख सकता है। तब उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में उसके ऊपर 40 जिलों में केस दर्ज करवाया और उसे हथकड़ी और वीडियो में किसी आतंकवादी की तरह जकड़कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाया जाता है। जब पी चिदम्बर गृह मंत्री थे, तब पांडुचेरी के एक बिजनेसमैन ने ट्विटर पर लिखा कि कार्तिक चिदम्बरम के पास रॉबर्ट वॉर्डा से ज्यादा दौलत है। तुरंत ही उसे बिजनेसमैन के ऊपर आतंकवादियों वाली धारा लगाकर गिरफ्तार किया गया। उसके यूनिट पर DRI सेल टैक्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा छापा मारा गया। बैंक को कहकर उसके यूनिट को फाइनेंस रिटर्न करवा दिया गया। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब नोएडा में 8 बार छत्तीसगढ़ पुलिस भेजकर उन्होंने तमाम चैनल के पत्रकारों को उठाने की कोशिश की थी ताकि मैडम और पप्पू की नजरों में सर्वश्रेष्ठ चमचा का खिताब पा सके। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो दूसरों के आरोप उनके नाम लिखने से पहले 100 बार विचार किया जाता। ये कैसे तानाशाही मोदी है जिनके ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। लेकिन हाँ, तानाशाह तो नरेंद्र मोदी हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।